हेलो एवरीवन, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप लोगों को विशेष दिवाली की, और होपफुली आपका दिवाली बहुत अच्छा जा रहा होगा। लेकिन दिवाली खुशियों वाली कब होती है? दिवाली खुशियों वाली तब होगी जब इस दिवाली को हम एकदम अपना ओथ ले लेंगे कि गाइज हमें जो है नेक्स्ट ईयर की जो दिवाली आएगी उस दिवाली में हमारे पास हमारा ड्रीम जॉब रहेगा। तो ये दिवाली बहुत ज्यादा खुशियों वाली हो जाएगी। और बस इसके लिए एक स्टेप मैंने लिया है कि आज हम कुछ एग्जाम्स जो लाइनअप है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ सीआईएसएफ का आपका एग्जाम लाइनअप है, और एसएससी जेई का एग्जाम लाइनअप है, एमपी सब इंजीनियर्स, तो नवंबर में आपके कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके लिए मैं एक मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। बहुत मजेदार मॉक टेस्ट है, आपको मन लगेगा आंसर्स को सॉल्व करने में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताएंगे और इस दिवाली को हम खुशियों वाली मनाएंगे। तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सबके कमेंट्स में देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इतने सारे विशेस मिले हैं मुझे सुबह से, आप सबको भी मैं बहुत बहुत विश कर रही हूँ। और बिल्कुल ड्रीम जॉब के लिए आप प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, मेहनत करें। ऊपर वाले जिनको भी आप मानते हैं उन हैव फेथ इन हिम, है ना। और बहुत अच्छा रहेगा आपका दिवाली और ये साल पूरा बहुत अच्छा रहेगा। पटाखे थोड़े कम जलाएंगे, राइट? यस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज नेवर गॉट द डायरेक्ट वर्टिकल सनरेज। तो वर्टिकल सनरेज का मतलब क्या होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां पे डायरेक्ट सनरेज नहीं आता है। डायरेक्ट सनरेज नहीं आता है इसका क्या मतलब है? देखिए तो ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर में ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, राइट? तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, राइट? तो ये है आपका अर्थ, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन में आपका डायरेक्ट सनरेज आता है। जब भी आएगा तो वर्टिकल डायरेक्ट सनरेज सिर्फ यहीं पे आएगा, इसके ऊपर या नीचे कभी भी डायरेक्ट सनरेज नहीं जाएगा, ठीक है? तो ना इसके ऊपर डायरेक्ट सनरेज जाएगा ना इसके नीचे डायरेक्ट सनरेज जाएगा, हमेशा इस समय इस जगह ही रहेगा। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ये आपका अर्थ, ये हो गया इक्वेटर, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ भारत शुरू हो गया, और भारत को ऑलमोस्ट बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कट करता है। आपको स्टेट्स के नाम याद होंगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 8 ऐसे स्टेट हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पास करता है। अब इसके नीचे यानी कि यहाँ पे है मुंबई, यहाँ पे है आपका चेन्नई, और नीचे क्या है, तिरुवनंतपुरम है। तो यहाँ पे ये सारे हैं, यानी कि डायरेक्ट सनरेज यहाँ तो आएगा, लेकिन क्योंकि श्रीनगर ऊपर है, श्रीनगर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट सनरेज नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज? आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, वही बातें मैंने यहाँ बोली आपको कि वर्टिकल डायरेक्ट सनरेज इस पोर्शन में है, वर्टिकल डायरेक्ट सनरेज इस पोर्शन में है, और इसके ऊपर या इसके नीचे डायरेक्ट सनरेज नहीं है। तो इसके ऊपर या इसके नीचे क्या है, इनडायरेक्ट सनरेज है, राइट? तो यहाँ पे जो पोर्शन है आपका श्रीनगर, इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, है ना। एक्सेलेंट, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला कि ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, ये आपका मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो ये आपका हो गया, राइट? नहीं, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ठीक है। तो एक और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे पास जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये त्रिपुरा, राइट? त्रिपुरा, इसका कैपिटल क्या, अगरतला। तो ये पूरी तरह से किसमें सम्मिलित है, ये आपका बांग्लादेश में है। यस, बांग्लादेश में ये पूरी तरह से, राइट? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। तो ये आंसर हो गया श्रीनगर, मैंने सारे हेडलाइंस डाल दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं पे भी, कोई भी। यस,
फिर पूछा जाता है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेडक्लिफ लाइन, ये लास्ट में नेपाल लिखा हुआ है, ठीक है, नेपाल लिखा हुआ है, इंडिया नेपाल, रेडक्लिफ लाइन किसके किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? तो क्या था कि जब इंडिया पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना था 14 अगस्त को, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, तो यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, तो उस समय ये था ईस्ट पाकिस्तान और ये था वेस्ट पाकिस्तान, तो इन दोनों के बीच जो लाइन लगाई गई उसको रेडक्लिफ लाइन कहा गया, ठीक है। और मैकमोहन लाइन आपको पता है इंडिया और चाइना, कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करता है, तो BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे काम करता है, और इसको आप ध्यान रखेंगे तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडक्लिफ लाइन एक्चुअली दोनों ही हो जाएगा, पाकिस्तान भी आंसर है और बांग्लादेश भी आंसर है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। यस, अब बात है डुरान लाइन, तो ये लास्ट में बर्मा लिखा हुआ है, म्यांमार जिसको आप कहते हैं, इंडिया एंड बर्मा, डुरान लाइन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। गाइस, डुरान लाइन आप बताएंगे कि डुरान लाइन कौन सी है, है ना, हाँ ठीक है। तो डुरान लाइन देखिए, ये हो गया आपका पाकिस्तान और ये हो गया आपका अफगानिस्तान, तो इन दोनों के बीच की जो लाइन है ये डुरान लाइन, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ये डुरान लाइन। क्लियर है गाइस, अंडरस्टूड? यस। तो ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, तो ये लाइन कौन सी आपकी, डुरान लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, Yes. तो दक्षिण गंगोत्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दक्षिण गंगोत्री ये भारत का परमानेंट रिसर्च सेंटर है, दक्षिण गंगोत्री, और ये आप बताइएगा कि दक्षिण गंगोत्री जो है ये कहाँ पे है। आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट गाइस। दक्षिण गंगोत्री आप जैसे देख सकते हैं ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, यही पे आपका मैत्री भारती, दक्षिण गंगोत्री, ये आपका दक्षिण गंगोत्री। अच्छा, आपके लिए एक सरप्राइज है आज मेरे लिए, मेरे पास, तो जितने भी आपके महापैक्स हैं, जितने भी आपकी लाइव क्लास हैं, आप किसी भी चीज के लिए पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप CISF के लिए पढ़ना चाहते हैं, CDS के लिए पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं, SSC JEE का एग्जाम है, फिर आपका MP Sub Engineer का एग्जाम है, किसी भी क्लास में आप जाना चाहते हैं, या डिफेंस का या इंजीनियरिंग का, कोई भी आप महापैक लेना चाहते हैं, SSC का, बैंक का, तो उसके लिए आज आप कोड यूज कर सकते हैं Y332 और Y332 कोड जैसे आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको डबल वैलिडिटी ऑफर मिलता है, साथ ही साथ 77% का डिस्काउंट भी मिलता है, तो ये बिग सिलेक्शन डे है दिवाली में आप। अच्छा, मुझे एक बात कमेंट सेक्शन बताएं कि वो जो पटाखे होते हैं, तो अनार होता है, घिरनी होता है, रॉकेट होता है, छुड़छुड़ी होता है, तो आप बताएंगे आपका फेवरेट कौन सा है। यस, ये मुझे जानना है कि विच इज योर फेवरेट, आपका फेवरेट कौन सा पटाखा है, है ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, एक्सेलेंट। तो Y332 कोड आप यूज करेंगे तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे मिलेगा ऑफर, इसको आप अवेल कर सकते हैं। अंटार्कटिका में आपका दक्षिण गंगोत्री परमानेंट रिसर्च सेंटर है भारत का, इसको याद रखेंगे। अच्छा, रिवर इंडस कहाँ से निकलती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि रिवर की जब बात करते हैं तो बहुत सारे रिवर्स हैं हमारे पास और हम लोगों को जानना होता है कि रिवर कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। तो जब रिवर इंदस की बात होती है तो जहां से इंदस निकलती है उसी के आजू बाजू से, तो इंदस के पास से, दैट इज ब्रह्मपुत्रा, यहां से कौन सी नदी निकलती है, वो मतलब यहाँ ब्रह्मपुत्रा, इंदस और सतलज, ये तीनों एक आसपास ही निकलते हैं, ये तीनों बेसिकली आपका मानसरोवर झील में, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत है, कैलाश रेंजेस, है ना, यहाँ से निकलती है। और सतलज के बारे में आपको पता होगा कि राक्षस ताल से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा चेमा युंगदुंग से निकलती है और लायंस माउंट तो बुखार ला से निकलती है इंदस। साथ ही साथ कृष्णा के बारे में आपको पता होगा कि कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर, और त्रिंबकेश्वर से निकलती है आपकी गोदावरी, गोदावरी आपकी त्रिंबकेश्वर से निकलती है, दोनों ही महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं। कावेरी निकलती है ताल कावेरी झील से, ठीक है,
तो ताल कावेरी झील से कावेरी निकलती है। अब आपसे पूछा जा रहा है इंदस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक मानसरोवर है, ये आपकी हो गई इंदस नदी जो कि यहाँ से चली जाएगी और ये कराची तक जाएगी और अरब सागर में मिल जाएगी, और ये सतलज नदी हो गई, सतलज नदी जाके इंदस में मिल जाएगी, ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जिसको हम सैंको से नाम से जानते हैं, सैंको नाम, और सैंको नाम से हम इसको जानते हैं तिब्बत में। भारत में जब ये एंटर करती है तो ये ब्रह्मपुत्र नामचा बारवा में एंटर करती है, नामचा बारवा में, और नामचा बारवा में जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी का नाम नामचा बारवा है, दिहिंग नाम से ये एंटर करती है, दिहिंग इसका नाम होता है, अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है, ये आप देख लीजिए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए महानदी के बारे में भी मेंशन है, तो गोदावरी के बारे में भी मेंशन है, तो महानदी में आपको, आपने देखा होगा कि महानदी जो है शिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, ठीक है, और ये जो गोदावरी है ये आपकी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से। वैसे महानदी के साथ साथ, महानदी जो आपका अमरकंटक हिल्स में निकले, तो महानदी के साथ साथ दो नदियां और आसपास निकलती हैं, एक है नर्मदा और एक है सोन। सोन बिहार में पुनपुन में आके गंगा से मिल जाती है, तो ये आपकी नासिक से हो गई। फिर कृष्णा देखिए महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर ये भी आपका नासिक में पड़ता है, राइट, यस। और तुंगाभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। फिर आती है ताल कावेरी, ताल कावेरी को डागू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, कर्नाटका में है, और नोयान, कामिनी, भावनी, अमरावती, ये सब इसकी सहायक नदी, ठीक है। तो कैलाश रेंज से निकलती है आपकी इंदस नदी, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है ना जी, बढ़िया, एक्सेलेंट। फिर है विच गुप्ता अंपायर इज प्रेजेंटेड हिज क्वाइन एज प्लेइंग द फ्लूट ऑफ वीना, तो कौन से गुप्ता राजा हैं जिन्होंने वीना बजाते हुए अपना एक क्वाइन, या उनका जो क्वाइन है उसमें वो वीना बजा रहे हैं, जैसे सरस्वती जी बजाती है वीना वैसे। तो ये है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा एरिया अपने डायनेस्टी में रखा हुआ था। सबसे पहले जो आपका गुप्ता डायनेस्टी है उसमें श्री गुप्ता है, फिर घटोत्कच गुप्ता है, फिर चंद्रगुप्त वन आए, फिर समुद्रगुप्त आए, और विक्रमादित्य की उपाधि मिली चंद्रगुप्त टू को, चंद्रगुप्त टू के टाइम में ही फायान आए थे, है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। कालिदास का कौन सा किताब इसमें से है, इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि बैचेस में किस तरह से एनरोल करना है, अच्छा तो मैं वो बता देती हूँ कि बैचेस में आपको किस तरह से एनरोल करना है, बहुत इजी सा प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, है ना। तो बैचेस में एनरोल करने का प्रोसेस बहुत इजी है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जैसे आप जाएंगे तो आप adda247.com पे जाएंगे, जब आप adda247.com पे जाते हैं तो दिवाली फेस्टिवल में आपको डबल वैलिडिटी ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो आप जैसे ही जाएंगे ना, तो आप जिस भी बैच में जाना चाहते हैं, जैसे आप गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना चाहते हैं और आपको DRDO का बैच चाहिए, तो अभी आपको ये दिख रहा होगा और बहुत ही कम, मतलब अभी आपको जितना दिख रहा है ना बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये तो DRDO का आपका 6 महीने का बैच है, लेकिन आज आपको मिलेगा 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस, इसके प्राइस भी आपको और कम मिलेगी, एक बार जाके देखिए मैजिक होगा, ठीक है। तो ऐसे ये 1023 का मिल रहा है, आपको और कम में मिल जाएगा, और 6 मंथ प्लस 6 मंथ वैलिडिटी है, कोड आपको यूज करना है Y332, ठीक है। तो ये DRDO का है, या फिर अगर आप जाना चाहते हैं डिफेंस में, आपको CDS में जाना है, तो CDS के लिए भी देखिए फाउंडेशन बैच है, 29 से स्टार्ट होंगे, आपने बस इस पर क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है, बाय नाउ पे जाके आपको क्या करना है कि आपको Y332 कोड यूज करना है और फिर अप्लाई कर देना है। तो जैसे आप इस पर अप्लाई करते हैं तो 1839 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा। 1839 रुपीज में आपको जब ये बैच मिल जाता है तो उसके बाद आप कंटिन्यू पे जाइए, फिर आप अपना नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम A है, फिर मैंने अपना नंबर लिख दिया यहाँ पे, तो मेरा नंबर, ठीक है, ये नंबर नहीं है मेरा, और मत कीजिएगा, और फिर ईमेल एड्रेस लिख दिया मान लीजिए, फिर आपने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद मुझे पेमेंट करना है, जैसे मैं UPI से पेमेंट करूँ या जैसे भी मुझे पेमेंट करना है, तो उसको मैं पे करूंगी और ऑटोमेटिकली ये बैच, फिर आई विल गेट द बैच। तो जैसे CDS का बैच है वैसे ही आपका, फिर ये आपका डिफेंस का CISF का बैच है ना, तो CISF का बैच एग्जाम आने वाला है गाइज, नवंबर में आपका CISF का एग्जाम है,
और 6, 12, 13 नवंबर को अनाउंस किया गया है। Y332 कोड यूज कीजिए, जल्दी से आप इस बैच में एनरोल कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। बैचेस में आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी देख रहे हैं आप, टेस्ट सीरीज भी है इसमें, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। यस, ओके गाइस, चले। तो अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा, अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए इसमें नाम क्या है, अभिज्ञान, तो कालिदास ने ना नामों पे लिखा है, अभिज्ञान नाम है, मेघ नाम है, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकांग मित्रम, ऋतु संभव, कुमार संभव, ये सारे और जो है ये कालिदास के काम है, ऑल वर्क्स आर ऑफ कालिदास, राइट। यस यस, एक्सलेंट एक्सलेंट, तो सारे कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी हो गया होगा क्योंकि मैंने पॉलिटी पढ़ाई है आप लोगों को, डीपली पढ़ाई है ना, पेड बैचेस में भी पॉलिटी चल रही है। यस यस बिल्कुल, कमेंट्स थोड़े लेट आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी, ठीक है, ओके। तो गवर्नर जनरल जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट, ये पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, तो बेसिकली ये देखिए गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जनरेटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, तो ये आंसर नहीं है यहाँ पे। देखिए इसलिए मैंने ट्रिक किया, आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइसरॉय, है ना। इस एक्ट के तहत वाइसरॉय आए थे और 1833 के तहत क्या आए थे, 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए थे। और 1773 में क्या हुआ था, यहाँ पे आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, जो कि कौन बने थे सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गाइस, इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। और ये जो है इनका नाम क्या है, विलियम बेंटिक, फाइन। और ये वाइसरॉय बने थे आपके, सबसे पहले वाइसरॉय और सबसे आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग सबसे आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और 1858 में यही जो है वाइसरॉय भी बन गए, फाइन। चले बढ़िया, मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म, तो देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, ये आपका 1909 में किया गया था। और जेआरकी की बात की गई थी, ये आपका 1919 में किया गया था। 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, ये याद रखें। साथ ही साथ 1857 में क्या हुआ था, तो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, और 34th रेजिमेंट के थे मंगल पांडे, ये आप ध्यान रखें कि मंगल पांडे थे 34th रेजिमेंट के, है ना। यस, बैरकपुर के थे मंगल पांडे। चले बढ़िया, तो ये हो गया आपका 1909 का, बहुत बढ़िया। हाँ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आज 24th of October, टुडे ऑन मंडे, तो हाँ करंट अफेयर्स हो जाएगा आपके, करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है ना, आज 24 तारीख है, तो 25 और 26 को थोड़ी दिवाली की है, 24 25 26 छुट्टियां चल रही हैं, तो 27 से, और एक सरप्राइज भी है, तो आप लोग बहुत बोल रहे थे कि मैम क्लास लो स्टूडियो से, तो एक सरप्राइज है, देखते हैं, है ना। सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास हो जाएगी और बिल्कुल उसके बाद जो है ताबड़तोड़ करंट अफेयर्स होगा, तो आप लोग यहाँ पे आइए का बहुत मजा आएगा। मॉन्टेग्यू रिफॉर्म जो है 1909 में हुआ था, क्लेम्सफोर्ड जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है वो 1919 में हुआ। यस, चले बड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रॉट 3 सेपरेट प्रेसिडेंसी, तो मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। तो क्या हुआ था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, तो इसमें बोला गया, इसमें सेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया, सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, तो इसमें बोला गया कि ये काम करें कि गवर्नर जो है आपके बंगाल के गवर्नर है वो हेड रहेंगे, किसके हेड रहेंगे, मद्रास के भी हेड रहेंगे और ये बॉम्बे के भी हेड रहेंगे, तो दोनों के हेड बन जाएंगे बंगाल के गवर्नर, फाइन। तो अब ये चीज को हटा कर बोला गया कि नहीं, अब 1861 में यानी कि 1773 से लेकर
1858 का क्या चला? सेंट्रलाइजेशन चला, है ना? और 1861 से लेकर जब तक आपका भारत आजाद होता है तब तक डिसेंट्रलाइजेशन चला, ठीक है, विकेंद्रीकरण। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये आपका चला, और इसमें कहा गया कि नहीं अब अलग कर दीजिए, अब नहीं है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो हेड है, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर है वो उनके सबॉर्डिनेट है, अब ऐसा नहीं है। 61 में तीनों का अलग अलग कर दिया गया कि तीनों अपने अपने गवर्नर बन जाएंगे। डक्कन पैसेज, देखिए अब डक्कन पैसेज के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, ऐसा मैंने ये बहुत बार बताया होगा आपको। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप देंगे लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ। ये है आपका इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर 10 डिग्री का आपका चैनल है, इक्वेटर के ऊपर 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब इक्वेटर के ऊपर जो 10 डिग्री चैनल है इसके ऊपर है अंडमान, इसके नीचे है निकोबार। अब जब अंडमान के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडल अंडमान, फिर है आपका साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान के बाद एक गैप है, और ये गैप है आपका डनकन पास, और डनकन पास के बाद है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। डनकन पास के बाद क्या है? लिटिल अंडमान है। तो लिटिल अंडमान है डनकन पास के पास, और अब उसके बाद आपका 10 डिग्री लाइन है, और फिर आपका निकोबार है ना, निकोबार है। तो नाउ यू हैव टू टेल मी गाइस, नाउ यू हैव टू टेल मी दैट ये जो डनकन पास है ये किन दोनों के बीच है? तो ये है आपका साउथ एंड लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर डक्कन पैसेज, फिर लिटिल अंडमान, फिर 10 डिग्री लाइन, फिर ग्रेट निकोबार, फाइन। चल अच्छा, कौन सा शहर ट्विन शहर है? दो शहर है जो कि ऑलमोस्ट ट्विन है, ये आप बताइएगा। यस, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज दिवाली के दिन आपको मिल रहा है डबल वैलिडिटी ऑफर, अगर आप कोड यूज कर सकते हैं Y332। इसमें जो भी कोर्स में आप जाना चाहेंगे, किसी भी कोर्स में, मैं फिर से बता रही हूँ, किसी भी कोर्स में आप जाना चाहेंगे तो आज आपको दिवाली पे डबल वैलिडिटी का ऑफर मिलेगा। इस ऑफर को आप जरूर जरूर अवेल करें, है ना, बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए। हर एक चीज पे आपको इतनी बड़ी डिस्काउंट मिल रही है गाइस, कभी भी इसके पहले इतना बड़ा डिस्काउंट आपको नहीं मिला होगा। तो दिवाली में हम ये सिलेक्शन का जो रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं जिसके तहत आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आपको कोई फाइनेंशियल इशू होगा और ना ही आपको कंटेंट से रिलेटेड कोई इशू होगा। तो आप इसको जरूर अवेल करें, और बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, सरप्राइज है, तो आप इसको अवेल करें। आपने क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, फिर से मैं बता रही हूँ, और यहाँ पे बस आपको देखिए ये ऐप तो होना चाहिए under247.com का, है ना, under247 का, और ये वेबसाइट है आपका। तो आप अगर आज महापैक लेते हैं तो सबसे कम प्राइस में महापैक भी मिलेगा, और सबसे कम प्राइस में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। महापैक में ये फायदा है, जैसे कि डिफेंस का महापैक है, तो महापैक में ये फायदा है कि आज आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो डबल वैलिडिटी का ऑफर मिलेगा, आपने व्यू ऑफर्स पे जाना है, और कोड यूज करना है Y332, और यहाँ पे 2299 दिख रहा है, लेकिन आप एक बार जाके देखिए, आपको इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा। इंजीनियरिंग का महापैक है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, आप उस पर क्लिक कीजिए। 6 मंथ का भी है, 6 मंथ का लेंगे तो 1 साल का मिलेगा, 12 मंथ का लेंगे तो 2 साल का मिलेगा। तो 2759 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा महापैक, ठीक है गाइज। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आज दिवाली के दिन आप अपने अंदर जो वो लाइट है ऑफ होप, ऑफ द स्पिरिट दैट यस यू कैन डू इट, You want your dream job, you will get your dream job, ये thought आप रखिए, और जितने भी negative thoughts उसको हटा दीजिए। कुछ भी आप जो भी करेंगे ना, जैसा आपका path है, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसके according result मिलेगा। और मुझे पता है कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और सारा कमिटमेंट कर रहे हैं, आप अपने रिविजन कर रहे हैं, आप MCQs को प्रैक्टिस कर रहे हैं मैक्सिमम, आज टेस्ट सीरीज पे भी आपको मिल रहा है डबल वैलिडिटी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि वहां पे ना Y332S है, ठीक है, S, जैसे ये डिफेंस का टेस्ट सीरीज है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, बैंक, SSC, डिफेंस, इंजीनियर्स, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज Y332S पे मिलेगा, S4। तो ये टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा आपको, डबल वैलिडिटीज पे भी है। तो
तो आप रिविजन कर रहे हैं, आप टेस्ट बना रहे हैं, आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर द सेशन. और इसी तरह से पढ़ते रहे. हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. थैंक यू.